आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिट एंटी करप्शन या न्यूज चैनल से स्वागत है आपका। इस समय हम उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और यहाँ पे कार्डियोलॉजी परिसर में हम देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे कोरोना वारी के रूप में यहाँ के निदेशक महोदय सीधे डॉक्टर विनय कृष्णा जी, जो कि ओपीडी में एक कोरोना वॉरियर की तरह से मुस्तैद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इस कोरोना काल में मरीजों को देख रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर। अभी तक आपने कितने मरीजों को अभी देखा है? ये पूरा जो दो वेव चली है कोरोना की, उस दौरान हृदय रोग संस्थान में हार्ट के सीरियस मरीजों का इलाज प्रभावित न होने पाए, इसी के ऊपर हम लोगों का फोकस था कि कोरोना संक्रमण के साथ साथ हम लोग मरीजों के इलाज, जो हार्ट के एक सीरियस मरीज आते हैं उसको बाधित न होने दें। तो ये प्रयास हमारा लगातार चलता रहा और इमरजेंसी सुविधाएं लगातार हमारे यहाँ चलती रहीं और इमरजेंसी मरीजों का ऑपरेशन भी होता रहा। ऐसी परिस्थिति में मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि कम से कम कानपुर में हम लोग ऐसी सुविधा दे पाए, जो कि लखनऊ में जहाँ तीन तीन बड़े संस्थान हैं वहाँ ये सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई और वहाँ पे हार्ट के मरीजों के उपचार में काफ़ी बाधाएं आईं। लेकिन हमें ये बहुत ही खुशी का विषय है कि कानपुर में हृदय रोगियों को कभी कोई तकलीफ परेशानी नहीं हो पाई। इवन जो मरीजों को कोरोना हो जाता था, उन मरीजों की अच्छी देखभाल करने के लिए उनको हैलेट में जब ट्रांसफ़र किया जाता था कोविड वार्ड में, तो हमारे यहाँ के तीन डॉक्टर राउंड द क्लॉक वहाँ ड्यूटी करते थे और वहाँ भी हार्ट के मरीजों का इलाज अच्छी तरीके से करना हमने अपनी जिम्मेदारी समझी और उसको अच्छी तरीके से हम लोगों ने किया। सर, हमने देखा किस प्रकार से एक तीसरी लहर की जो संशय की स्थिति बनी हुई है, इसमें क्या किसी प्रकार का दिशा निर्देश आपकी तरफ से संबंधित विभाग में दिया गया? तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है और जैसा गाइडलाइन ICMR की आई हुई है कि जिन लोगों को दो डोज वैक्सीन की लग चुकी है उन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है। यद्यपि वो इन्फेक्शन बहुत सीरियस नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि इन्फेक्शन ना होने पाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग वैक्सीन लगने के बावजूद भी, दो डोज हो जाने के बावजूद भी, अपना मास्क भी लगाया करें, हाथ को सैनिटाइज करें और 6 फुट की डिस्टेंस भी आपस में मेंटेन करके काम करें, जिससे कि तीसरी लहर में इन्फेक्शन होने का खतरा उनको ना होने पाए। सर, आपने देखा किस प्रकार से हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना महोदय से आपका एक सेमिनार हुआ, बात हुई, उसमें जो परिचर्चा रही उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? खन्ना साहब ने बहुत ही अनुभव प्रयोग किया, उन्होंने ये कहा अभी उस अपने अनुभव प्रयोग के माध्यम से कि डॉक्टर्स इतनी रात दिन मेहनत करते हैं फिर भी मरीज़ जो हैं वो यदा कदा असंतुष्ट हो जाते हैं और अच्छे से अच्छा इलाज होने के बावजूद भी मरीजों को लगता है कि उनका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेडिकल एथिक्स के एक विषय के ऊपर हर 2 हफ्ते पे पहले और तीसरे शनिवार को सेमिनार आयोजित किया जाए, जिसमें सीनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्सेस सब लोग प्रतिभाग करें। और मैंने ये महसूस किया है कि पिछले 1.5 साल से जो ये कार्यक्रम चल रहा है उससे वर्क कल्चर में काफ़ी फर्क आया है, मरीजों को संतुष्टि भी बेहतर हुई है। इसका मुख्य कारण यही है कि इसमें जो पहले संवादहीनता की स्थिति रहती थी, मरीज़ के रिश्तेदारों और मरीज़ से डॉक्टरों के बीच में उतना संपर्क नहीं रह पाता था, डॉक्टरों का आपस में उतनी बातचीत नहीं हो पाती थी, सीनियर और जूनियर के बीच में भी गैप रहता था और डॉक्टरों और नर्सों और टेक्नीशियन के बीच में भी गैप रहता था। इस कार्यक्रम के द्वारा उस सब गैप को भर दिया गया है। अब सीनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन सब आपस में बहुत अच्छी तरीके से वार्तालाप करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। उसी तरीके से जो भी ऑपरेशन हो रहा होता है, जो इलाज हो रहा होता है, उसके बारे में मरीजों को रिश्तेदारों को अच्छे से ब्रीफिंग दी जाती है, जिससे उन लोगों का संतोषप्रद बने रहना, सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होना बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसको देख रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस प्रकार का माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो ये कार्यक्रम चलाया है, ये डॉक्टरों का जो खो रहा था गौरव, खोता जा रहा था, उस गौरव को वापस दिलाएगा और डॉक्टर्स जो हैं वो फिर से सम्मानित सदस्य वो प्रदेश के और देश के और जनता के बन के सामने आएंगे। डॉक्टरों की जो मेहनत है उसको असली रिवार्ड मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। हमने देखा किस प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर श्री विनय कृष्णा महोदय ने अपनी तरफ से एक स्वयं उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इस कोरोना काल में मुस्तैदी से ड्यूटी पे बने हुए हैं,
और किसी प्रकार के जितने भी खतरे हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए, जान को जोखिम में डालते हुए, आम जनता की वो सीधे सीधे जो भी बीमारियां हैं सीधे उनसे वो कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं और उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इस हृदय संस्थान ने अपना एक निश्चित रूप से नई ऊँचाइयों पर पहुँचा है, एक अपना अलग ही गौरव प्राप्त किया है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के निदेशक महोदय को जाता है। और हमने देखा किस प्रकार से सुरेश खन्ना महोदय के साथ जो सेमिनार होता है एथिक्स को लेकर के राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर परिचर्चा हो रही है और इसमें हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहें एशिया न्यूज चैनल से, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ।